शुरू। हाँ जी, हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह के अज लगातार संगतां की गिणती वधदी जा रही है, इस गल तो मेरे ख्याल सरकार नूं भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हुण सिख संगत जिहड़ी है वह विचारधारक तौर पर भी जाग चुकी है। तो दूजी गल, एक बड़ा वड्डा सवाल है प्रशासन वास्ते कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचारधारा नूं मनण वाले हजारां लखां करोड़ों की गिनती विच सिख बाहरली कंट्री विच, बाहरलियां सूबियां विच, बाहरलियां स्टेटां विच भी वसदा है, उत्थे भी महाराज दे सरूप हन। कि बाहरलियां स्टेटां विच, बाहरलियां देशां विच इदां दीआं घटनावां क्यों नहीं वापरदियां, इत्थे ही क्यों वापरदियां हन? ये एक इत्थों दे प्रशासन वास्ते बड़ा वड्डा सवाल है, बड़ी वड्डी चुनौती है कि इत्थों दे ही सिख नूं, इत्थों दी ही विचारधारा नूं डेगण की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझदा कि इस घटना दे नाल एक बड़ी वड्डी जागृति आई है कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप दे जिहड़े अंक हन ओह सारे पिंड विच वख-वख थावां ते जिहड़े सन सुटे गए हन। तो अज सिखां दा ठाठा मारदा जिहड़ा कट है, भावें वह बाहरी तौर पर सानू दिसण वाले सिख घट जापदे हन, पर अंदर दा प्यार, अंदर दी जिहड़ी विचारधारा है अज उभर के सामने आ रही है कि इस घटना ने एक बार सिखां दे अंदर नूं हलूण के रख दिता है। कि जिवें भाई साहिब हुणे दस के हटे हन कि पिछले दिन ही अकाल तख्त वालों जिहड़ा सौदे साध नूं जिहड़ा माफ़ी दित्ती गई है, उस तो बाद सिखां दे अंदर देशों विदेशों में बड़ा वड्डा रोस पाया जा रहा है। उधरों विचार हटाने वास्ते, उधरों ध्यान हटाने वास्ते इदां दीआं कुझीआं हरकतां कीतीआं जा रहीआं ने। तो मैं समझदा कि हुण जागण दा वक्त है, तो जिहड़े प्रशासन वाले आ इस मीडिया राहीं उह वी सोच लैण कि बहुत पुलिस अफसर जिन्हां दा संबंध सिखी घराणियां दे नाल है कि जे वह एक वर्दी दे तौर पर, एक नौकरी दे तौर पर इस तो अलग हो के भी सोचण, तो उन्हां दा भी संबंध कितें ना कितें सिखी घराने दे नाल है। जे वह इंसानी तौर पर सोचण कि बड़ी वड्डी साडे वास्ते चुनौती है, मत्थे ते कलंक है पंजाब दे वास्ते कि इदां दीआं घटनावां पंजाब विच ही क्यों वापरदीआं हन। मैं समझदा इहो ही एक कारण है कि पंजाब दा नौजवान अज बाहर नूं मूंह कर रिहा है कि इत्थे साडा जीना वधिया नहीं, इत्थों दा जीवन शैली साडी गवाचदी जा रही है। ये पंजाब दे मत्थे ते कलंक कोई होर नहीं ला सकदा, इत्थों दे ही लोग ला सकदे ने, इत्थों दी ही संगत ला सकती है। तो आने वाले समय के जिहड़े लोग साडे नाल इदां दीआं हरकतां करदे ने, अपनी सत्ता, अपनी ताकत, अपना इकट्ठ, अपनी एकता दे नाल उन्हां नूं आने वाले समय के सानूं सज़ा देनी चाहीदी है। वह समझते हाँ कि वह तरीका किहड़ा है कि आने वाले समय के जिहड़े लोग सत्ताधारी साडियां जिहड़ियां मन दीआं बिरतियां दे नाल, साडियां भावनां दे नाल खिलवाड़ करदे हन, उन्हां नूं आने वाले समय के आपां हाथ विखाईए अते एकजुट हो के गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा नूं अपनाउण दा यतन करिए। बाकी असीं प्रशासन नूं आपणे वल्लों दसणा चाहुंदे हां कि जिन्नी देर तक तुसीं इस इन्हां दोषियों नूं जल्दी जल्दी सज़ा ना दित्ती गई, उन्हां नूं उन्हां ते कार्रवाई ना की, उन्नी देर तक यह धरना बरकरार जारी रहेगा। क्योंकि दूरों दूरों तो सिख संगत जी पहुँच रही है, जिमें दस ही दिता गया है कि किसी बुलाया नहीं गया, यह अंदर का प्यार जरा खिंच के सिख संगत को लैके आ रहा है। हज़ारों की गिनती संगत अजे भी आ रही है, कई पहुँच चुके हैं तो कई अजे रस्ते घेरे जा रहे हैं। इस करके बेनती है कि जल्दी तो जल्दी जी है वह इन्हें कार्रवाई सानू कर जोड़ा है वो फर्ज अपना पूरा करना चाहिए है, नहीं तो संगतां का इदा ही ठाठा मारदा कट अज होर कल होर परसों होर इदा ही यह धरना बरकरार जोड़ा है वो रहेगा, इदा ही जारी रहेगा। तो बाकी संगतां नूं बेनती है कि असी बड़े जाबते विच बड़े ही शांत रह के जिहड़ा सारिआं ने यह साथ देना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दे अंदर जिहड़ा कल तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बेदबी तो बाद धरना शुरू होया सी वो लगातार जारी है, और समय के हुक्मराना ने कल रात 3 बजे 2200 सिंह जड़े इत्थे बैठे सन उन्होंने धोखे नाल जां अपने प्रभाव नाल कैदखाने विच पाउण दा यतन किया, लैके गए। अज सवेरे उन्होंने 9 बजे रिहा किया। फिर सारी संसार के अंदर जो आवाज़ गई तो वड्डी गिणती के अंदर गुरु खालसा पंथ के नुमाइंदे सवेर तो इत्थे आए हुए हैं, तो सारे वीर एक भावना लैके बैठे हैं कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह साडे रहबर हैं, दीन दुनिया के मालिक हैं, इन्हों का अपमान असी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिमें कि साडे सारयां दे दिल दिमाग अंदर इको गल वार वार आ रही है कि जिहड़ा पिछले दिन 24 सितंबर नूं तख्तां दे बैठे सेवादारा ने गलत ढंग नाल सौदे साध नूं माफ़ किया, उस पासे सारी सिख संगत का ध्यान सी, उहदा ध्यान दूजे पासे करन वास्ते इन्हां ने एडी कोझी हरकत करवाई है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करवा के साडे हिरदे विलुंदरे हन। सो इत्थों दे सारे सेवादारा ने मिल के फैसला किया है
कि जिहड़ा धरना है बड़ा शांतमई ढंग नाल लगातार जारी रहेगा जदों तक कि घटना के मुख दोषी जिहड़े ने उन्हां नूं फड़ के कैदखाने च नहीं पाया जाता, सख्त धारा ला के मुकदमे नहीं चलाए जाते, असी उदों तक अपनियां भावनावां लैके ये अपनी जिम्मेवारी निभाउंदे रहांगे। और सारिआं तों जिहड़ी अगली गल है कि इन्हां धर्म प्रचारकां ने भी फैसला किया है भविख विच असी सिखी दे उसूलों की पहरेदारी लई मिल के एकत्र भी होवांगे, अपनी जिम्मेवारियों का रलवा अहसास करके जिम्मेवारियां भी निभावांगे। सो साडी सारे संसार के सिखां नूं अपील है कि सारे कौम दीआं इन्हां भावनां नूं लै के अपना अपना हिस्सा देश विदेश अंदर पाउण, पंजाब दे सिख ये धरने का हिस्सा बन के लगातार कोई सरकार किसी गलत ढंग अपना जवाब ला के एक तो देखो ये है भी मैनू ये लगता भी ये जिहड़ियां पंथ दोखी एजेंसियां ये जिहड़ा सिखां दी हुण काफ़ी चढ़दी कला जवानी हो गई भी ये सिखां दा घाण करन वास्ते असीं भैड़ियां कारवाइयां करा रहे हैं तां कि सिख जवानी नूं भड़का के इन्हां दा शिकार किया जाए इह जिहड़ियां कारवाइयां करवा के। नहीं ये दे बारे तो देखो उधरों कहें मेन चल रहा सी भी जो सौदे वाले दे सियासी दबाव थले जथेदारा ने कूड़नामा जारी किया उधरों ध्यान हटाने वास्ते इदां दीआं कई थां ते कारवाइयां ये करवा रहे ने भी हुण जो ये भी तां कि इन्हां दा ध्यान जिहड़ा वंडिया जावे ते नाल नाल जिहड़ियां ये पंथ दोखी एजेंसियां कोई जो शिकार करना होवे साडा तां पहलां इदां दीआं भैड़ियां कारवाइयां करके सानूं भड़काया जांदा है भी फिर ये भड़कने आपां कारवाइयां इदां दीआं करिए ते फिर इन्हां दा शिकार किया जावे। कोई शिकार करने वास्ते पहले शिकार नूं जगाउणा पैंदा ना, जिवें गुरु नानक बाबा जी ने कहा है राजे शीं मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुत्ते चाकर नहिंदा पायन घाओ रत पित कुत्ते हो चट जाहो। गुरु जी कहिंदे समय का राजा जदों मनुखां दा खून पीना बघियाड़ बणदा है राजे शीं मुकदम कुत्ते उहदे अहलकार जिहड़े कुत्ते बन जांदे है जाए जगायन बैठे सुत्ते, फिर कोई राजा बघियाड़ अपनी एजेंसी राहीं सुत्ते दा भाव शांतमई लोकां नूं भड़काउंदा है कोई मसला छेड़ के, फिर जिहड़े इन्हां दे चाकर ने वह इन्हां बघैड़ां दे नौंदरा बन के मनुखता का घाण कर दिए चाकर नहिंदा पायन घाओ रत पित कुत्ते हो चट जाहो। इदा राजा बघियाड़ अपने कर्मचारी कुत्तियां राहीं मनुखता का खून पींदा, राजा बघियाड़ अपने कर्मचारी कुत्तियां दे राहीं मनुखता का खून पींदा, गुरु बाबा जी ने पहले दस्या होया सारा कुछ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर पातशाह जी ने धुर की बाणी के अंदर पावन बचन किया जे जीवै पत लथी जाए, भावें गुरबाणी के अर्थ आपो अपनी मत बाद भावें गुरबाणी के अर्थ हर कोई बंदा अपनी मत अकल बुद्ध ज्ञान के मुताबिक करता है, गुरबाणी बहुअर्थी है। जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए वाली गल है भी हुण जिउंदियां पत लैण वाली गल है। मैं तो पिछले दिनों में एक बयान दिता सी, मैं कहा मैं बड़ा हैरान हाँ भी सरसे वाले साध की फिल्म आई तो जिहड़ी जिहड़ी जगह ते होर्डिंग बोर्ड लगे ने उत्थे चार चार पांच पांच पुलिस वाले तो इन्हां दे भी चार चार पांच पांच बंदे, और मैं बड़े इस गल तो हैरान सा भी ये क्यों खलोते है। कहिंदे इस करके भी कोई होर्डिंग बोर्ड इहदा पाड़ ना दे, और मैं बड़ा हैरान हाँ प्रशासन वल वेख के प्रशासन दीआं कारवाइयां वल वेख के भी ये साध की फिल्म का कित बोर्ड ना कोई पाड़ दे, इन्ना ख्याल है तो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के भावें कोई पन्ने पाड़ दे, इत्थे अज तक बंदे काबू नहीं आए। तो हुण कौम के अंदर एक आक्रोश है एक जोश है, ये जोश दे करके शांतमई धरना लगाया, जे असी इन्ना भी काम नहीं करते तो फिर असी दब जाने। तो सियाणियां ने एक गल बड़ी प्यारी कही, कहिंदे भावें दाल होवे ते भावें सब्जी होवे भावें दुध होवे ते भावें खोआ होवे जो खेठां लग जांदा है ना फिर उहदा स्वाद नहीं रहिंदा हुंदा। दाल उदों तक स्वाद लगती है जदों तक खेठां नहीं लगी, जदों दाल थल्ले लग जावे ना तो फिर दाल का स्वाद नहीं रहिंदा। मैं कहना तुसीं आम करके तजर्बा करके देखो जदों असी थल्ले लगे दुध की चाह बना के भी किसी नूं देने आ ना तो वह सज्जन कई बार जो चाह अगे रखी दी है चाह दे विचों स्मैल आउंदी है तो मूँह नक वटदा, अज इसे प्रकार होया पे है जेडे लोग थल्ले लग गए ने मेरी कौम ने उन्हां तों मूँह नक वटिया मेरी कौम ने पासा वटिया। इस करके मैनूं लगता भी इस तरह दीआं घिनौणियां कारवाइयां भी वह जिहड़ा मुद्दा है कुछ समय दे लई ठंडा हो जाए ठार हो जाए, पर हुण कौम जिहड़ी है जाग चुकी है नौजवान जाग गया है ये ठंडा होने वाला नहीं। तो जिहड़े थल्ले लग जाए ना जिवें दुध वह फिर आप नहीं कई बार पी भी कुत्ते बिल्ले नूं पिला दीदा है,
जिहड़ी दाल थले लग जाए जिहड़ी सब्जी थले लग जाए ना कई बार आप नहीं खाई दी वेस्ट में चली जाती है। तो जिहड़े हुण थले लग गए ना सरकारां दे थले लग गए ने सौदे साध दे हुण साडे कम दे नहीं रहे उह असीं वेस्टेज दे विच कर दित्ते ने ते उहनां नूं किसे भी तरीके कौम ने मूँह नहीं लाउणा ते ना मूँह लाउण दे करके चार चफेरे आवाज़ां उठियां उस मुद्दे नूं दबाउण दे वास्ते इस तरह की घिनौनी कार्रवाई की गई है। संगत देश विदेश की बड़ी जागरूक है, गल नूं बड़ी बरीकी दे विच जाके समझेगी। हुण पहलां वाला समां नहीं रह गया कि एक सज्जन ने बयान दिता तो सारे उहदे मगर लग गए, हुण कौम तह तक जाती है। मैं इन्नी कु बेनती करांगा भी जिहड़ा कम प्रशासन सानूं अक्सर कहिंदा है भी कानून हथ दे विच ना लो, कानून नूं अपना कम करन दिओ, असीं शांतमई ढंग दे विच बह के कहिंदे भी कानून अपना कम करे। असीं दुखाई देने पए आ भी कानून उहनां बंदियां नूं फड़े जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। तो जे अजे भी सानूं चकिया जांदा है, रात की घटना सिंघां नूं चुकिया गया, भाई साहिब होरां नूं चुकिया गया, बड़ा मैं हैरान होना। मैं जे असी अपने बेस से कार्रवाई करते हैं तो असी तां भी गलत हाँ, जे असी कानून नूं कहने भी कानून नूं हथ विच नहीं लैना, प्रशासन नूं कहने भी तुसी कम करो, फिर भी असी गलत हाँ, हुण दसो भी असी सही किहड़े पासे हाँ। इस करके देश विदेश की संगत नूं बेनती है भी कृपा करके जिथे जिथे बैठी हो आपो अपने रिश्तेदारां नूं भी कहो भी इस कार्य साडा वध तो वध सहयोग करन। इन्हां कुछ कहिंदा होइआ खिमां दा जाचकां, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।